सबसे पहले मैं पाखी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। वो बहुत टैलेंटेड पहले से रही है और मुझे पूरा यकीन है वो जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस रही है वो उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड बिजनेस वूमेन बनेंगी। और वो हम सबके लिए हमेशा से एक कहते हैं ना कि कुछ आदर्श, यू नो, जैसे कि एक एक्ट्रेस को सिर्फ एक्टिंग के अलावा और भी कई चीज़ें कर सकती हैं। पाखी ने हमेशा से, जब वो एक्टिंग भी करती थी तभी भी वो बहुत ही बिल्कुल अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती थी, वही उसने अभी भी किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनेंगी। रानी बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही हैं, उसमें से आपने कोई चूज किया या आपको पसंद आया? हाँ, मैंने अभी उसको पूछा कि तुम फाइनेंस भी करने वाली हो, मैंने तो बोलती यस यस ऑफ कोर्स। तो आई होप, क्योंकि मैं एक्शन करती हूँ और हमारी इंडस्ट्री में फाइनेंसर की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक यू नो एक बहुत ही अच्छी फाइनेंसर हमारी इंडस्ट्री में आ रही है और तो सबसे पहले वही वाला मैंने चूज किया, फाइनेंस। जी जी, रानी जी, आपकी फिल्म लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद जो आई है फिल्म, आपके साथ बहुत पसंद, कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। उसमें कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी रानी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि रानी ने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक किया इस्लामाबाद में। बिल्कुल किया है, उस फिल्म के जरिए किया है। उस फिल्म में ऐसे कई मुद्दों को लेकर बात की गई है जो अक्सर लोग जिस बातों से, मतलब उन मुद्दों से बचना चाहते हैं, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं उस फिल्म के लिए। उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरे काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत जल्दी मुंबई में भी लगने वाली है फिल्म, तो आई होप आप लोग को इन्विटेशन मिलेगा, आप लोग भी देखिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा।